इंदौर में नगर निगम द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर मकानों को लेकर पिछले दिनों गाइडलाइंस जारी करते हुए दर्जनों मकानों को चिन्हित किया गया था। इसी कड़ी में नगर निगम ने रिमूवल अमले द्वारा दो और जर्जर मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की है। इंदौर में बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से कई बार जर्जर मकान गिरकर एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। ऐसे ही मकानों को नगर निगम द्वारा चिन्हित किया गया है। जो मकान 100 वर्ष या उससे अधिक का समय पूरा कर चुके हैं या फिर जिन मकानों की हालत काफी जर्जर है, ऐसे मकानों को नगर निगम द्वारा लिस्ट तैयार कर ध्वस्त किया जा रहा है। अभी तक 2 दर्जन जर्जर मकानों को ध्वस्त करने का काम निगम द्वारा किया गया। निगम ने आज इमली बाजार और काछी मोहल्ले में कार्यवाही की। सभी मकानों के मालिकों को पहले इसका नोटिस दिया जा रहा है। मकानों पर कार्रवाई की गई है। कितने मकान अभी तोड़े गए हैं कार्रवाई में? एक तोड़ दिया, दूसरे पे कार्रवाई अब चल रही है। किसके मकान थे और कितने पुराने थे सर? 2 मकान वर्षों पुराने हैं, बहुत ही बुरे हाल में है। अति खतरनाक ले रहे हैं अभी हम लोग, तो जो अति खतरनाक में इनका मकान का हिस्सा है केवल वही हटा रहे हैं हम लोग, जो जनहानि हो सकती जिससे उसको हटाने का। किस क्षेत्र में हुई है दोनों कार्रवाई? एक काछी मोहल्ले में हुआ है और दूसरा ये इमली बाजार में चल रहा है। 18 तरीके का विरोध देखा गया? नहीं, वो मकान मालिक को हमने पहले कन्विंस कराया है और उनको समझाया, वो खुद भी बोल रहे हैं हम सहयोग करेंगे, हटा रहे हैं। तो किसी तरीके का विरोध तो नहीं? हाँ, विरोध तो नहीं हो कोई। आपका परिचय? शांतिलाल यादव, बिल्डिंग ऑफिसर।